नमस्कार, आज मैं आपको एक भजन सुनाने जा रही हूँ ध्रुव का। आप जरूर जानते होंगे कि ध्रुव तारा आज हमारे बीच में है, जिनको भगवान की गोद मिली और उन्होंने 5 साल की उम्र में ही तपस्या की। उसके पीछे कई कारण थे, मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगी जिससे आपको भजन समझ में भी आएगा कि ध्रुव राजा उत्तानपाद के बेटे थे और उनकी पत्नी का नाम था सुनीति, मतलब ध्रुव की माँ का नाम सुनीति था। सुनीति के बहुत दिनों तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुई, तो सुनीति ने अपनी बहन सुरुचि से राजा का विवाह करवा दिया। और जब विवाह करवा दिया तो सुनीति को महल के बाहर रहना पड़ा। और कुछ दिनों बाद जब सुरुचि के बालक पैदा हुआ तो इत्तेफाक था कि सुनीति के भी उसी समय बालक हुआ और दोनों ही बहनों के एक एक बच्चा हुआ। तो ध्रुव जो सुनीति के बेटे थे, वो महल में जब खेलने जाते थे अपने पिता के पास में, तो सुरुचि उसकी मौसी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसी पे ये भजन बना हुआ है, तो आप सुनिए इस भजन को। रो रो कहते थुरु महाराज, मैया मोहे मौसी ने मारा। रो रो कहते थुरु महाराज, मैया मोहे मौसी ने मारा। मौसी ने धक्का दीना, पिता तनिक तरस नहीं कीना। मौसी ने धक्का दीना, पिता तनिक तरस नहीं कीना। गोदी से दिया उतार, अरे मैया मोहे मौसी ने मारा। रो रो कहते धुरु महाराज, अरे मैया मोहे मौसी ने मारा। हम खेल रहे दोनों भैया, जहाँ बैठे मौसी मैया। हम खेल रहे दोनों भैया, जहाँ बैठे मौसी मैया। महलों से दिया निकाल, अरे मैया मोहे मौसी ने मारा। रो रो कहते धुरु महाराज, अरे मैया मोहे मौसी ने मारा। मत रो लाल हजारी, समझा रही धुरु मातारी। मत रो लाल हजारी, ओ समझा रही धुरु मातारी। तेरा भला करे भगवान, अरे मैया मोहे मौसी ने मारा। रो रो कहते धुरु महाराज, अरे मैया मोहे मौसी ने मारा। मैया मोहे मौसी ने मारा। जंगल को मैं जाऊंगा और नारायण को जाऊं। अरे जंगल को मैं जाऊं और नारायण को जाऊं, फिर लौट कभी ना आऊं। अरे मैया मोहे मौसी ने मारा। रो रो कहते धुरु महाराज, अरे मैया मोहे मौसी ने मारा। मैया मोहे मौसी ने मारा।